अरे बच्चों, मैं गुरु नितेश और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरु नितेश 01। आज हम लोग क्लास 8 NCERT चैप्टर 5 से 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हेन ए डाई इज थ्रो, लिस्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। पहला का ए कहता है कि ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर्स जो होता है, नेचुरल नंबर्स जो होता है वो दो तीन भाग में डिवाइड किया जाता है। एक भाग होता है वन, दूसरा भाग होता है प्राइम नंबर और तीसरा भाग होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2, 3, 4, 5, 7 ... प्राइम नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर होता है क्या, 4, 6, 8, 9 ... कंपोजिट नंबर होता है, मतलब जिसका केवल एक फैक्टर हो, विच हैव ओनली वन फैक्टर विच इज नोन एज वन, विच हैव मोर देन विच हैव टू ओनली टू फैक्टर्स विच इज प्राइम नंबर एंड विच हैव मोर देन टू फैक्टर विच इज कंपोजिट नंबर। तो पहला का एक आता है कि अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होगा, डाई आप देखे होइएगा, डाई क्या होता है, डाई में 6 फेसेस होता है, 6 फेसेस होता है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इसके अपोजिट में 4, यहाँ 5 और इसके अपोजिट में 6 लिखा हुआ होता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ रहता है। तो इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन होगा, इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन होगा, तो प्राइम नंबर होगा 2, प्राइम नंबर होगा 3, प्राइम नंबर होगा 5, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। कहता है ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। फर्स्ट का एक आंसर होगा विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अगर कंपोजिट नंबर बोलता तो आपका आंसर 4 और 6 होता, बट नॉट अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर नहीं है तो कुछ भी हो सकता है प्राइम को छोड़ के, तो 1, 4, 6 ये तीनों होगा। फर्स्ट के बी का आंसर हो जाएगा 1, 4 और 6, इसका हो जाएगा 2, 3, 5। सेकेंड का एक आता है कि एक नंबर ग्रेटर देन 5, तो वैसा नंबर जो 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा, 5 से, 5 से बड़ा हो, ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा 1 से लेके 6 तक में कौन सा नंबर होगा, तो केवल 6 होगा जो 5 से बड़ा है ना। इसी का सेकेंड पार्ट कहता है ए नंबर विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, तो वैसा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कहता है अ नंबर विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। नॉट ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 से छोटा कुछ भी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो होगा ये 5 से छोटा हो जाएगा।